ट्रिगर दबाया और खेल खलास। हे गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस तरह का एटीट्यूड वाला स्टेटस अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, बस आपको करना कुछ नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है? और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियो में, वो सब यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन हो सकते हो। और अगर दोस्तों आपको कुछ अलग तरीके का स्टेटस ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियो भेज दो, मैं उसका भी ट्यूटोरियल लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है काइन मास्टर। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करने में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि आप मेरे मटेरियल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप वो देख लो, ठीक है? तो डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको 1:1 स्क्वायर वाला जो रेशियो है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको मीडिया पे जाना है, और यहाँ से दोस्तों बैकग्राउंड में जाके एक ब्लैक वाला जो बैकग्राउंड है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो आपको यहाँ पे बढ़ा लेने, जितना आप स्टेटस रखना चाहो उतना, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 11 सेकंड रखते हैं, आप चाहो तो 15 सेकंड या फिर 30 सेकंड भी रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और यहाँ से फोटो सेलेक्ट कर लेना है जो फोटो आप स्टेटस बनाना चाहो, ठीक है? तो मैं यहाँ से एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। तो फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद 3 डॉट पे जाना है और इसे फिट टू स्क्रीन कर देना, ठीक है? इस तरह से आपको फिट टू स्क्रीन कर देना, अपने फोटो को अच्छे से लगा लेना है। लगाने के बाद फोटो पे क्लिक करना है, एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन पे जाना है, और इसकी जो एडजस्टमेंट है वो आपको बढ़ा लेनी है दोस्तों। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है? इसको फोटो पे क्लिक करना है सॉरी, और आपको 3 डॉट पे जाकर इसका एक डुप्लीकेट सेलेक्ट कर लेना है। डुप्लीकेट वाले फोटो पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो इसका जो एडजस्टमेंट है वो आपको कम कर देना, ठीक है? कुछ में तो यहाँ से मैं इसका जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ से कम कर देता हूँ। कम करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली इस फोटो पे क्लिक करना है और ओवरऑल एनिमेशन फ्लिकर दे देना है इस तरह से, ठीक है? इस तरह से आपको दे देना है। उसके बाद लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और यहाँ से आपको एक इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? जिस इफेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये जो इफेक्ट है वो मैं हर एक वीडियो में यूज़ करता हूँ, तो बहुत एक अच्छा इफेक्ट है, आप यूज कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से मैं वो इफेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको 3 डॉट पे जाना है, और यहाँ से फिट टू स्क्रीन कर देना है, और यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे जाना है, और स्क्रीन पे टैप कर देना है। ये करने के बाद इसका जो वॉल्यूम है वो आपको कम कर देना है, और यहाँ से नीचे जाके इसकी जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ी सी बढ़ा लेनी इस तरह से, ठीक है? तो इसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देता हूँ ताकि एक अच्छा इफेक्ट लगे। और दोस्तों, अगर आपको रॉ मटेरियल डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने इसका एक वीडियो ऑलरेडी बनाया, वो भी देख सकते हो। सो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको म्यूजिक ऐड कर लेनी है, ठीक है? पहले आपको म्यूजिक ऐड कर लेना है एक अच्छा वाला। तो ये जो म्यूजिक मैं ऐड कर रहा हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ये सब जो रॉ मटेरियल मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से मैं एक अच्छा वाला जो एटीट्यूड वाला सॉन्ग है वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? ये वाला। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा कट कर देना है और इस तरह से लगा देना है। सो लगाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और यहाँ से आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से आपको एक ब्लैक स्क्रीन सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद 3 डॉट पे जाना है और इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है। उसके बाद नीचे जाके ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाके आपको स्क्रीन पे टैप कर देना है। ये करने के बाद इसका जो वॉल्यूम है वो आपको डाउन कर देना है। उसके बाद आपको जाना है एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन में, ठीक है? ताकि ये जो फॉन्ट है वो अच्छे से आपको दिखे। आप देख सकते हो अच्छे से फॉन्ट दिख रहे अभी, ठीक है? इस तरह से आपको एडजस्टमेंट कर लेनी है, ठीक है? तो आप देख सकते हो अच्छे से हो गया। अभी आपको करना क्या है, म्यूजिक को सिंपली अच्छी तरीके से सुनना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक बार म्यूजिक को सुन लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो है बीट खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ म्यूजिक को, सॉरी म्यूजिक को नहीं, आपको यहाँ पे फोटो को ट्रिम कर देना, ठीक है? तो यहाँ से मैं ट्रिम कर देता हूँ फोटो को, ठीक है? और जो म्यूजिक है वो वापस मैं इसकी लेंथ को बढ़ा लेता हूँ, वो गलती से हो गया था। उसके बाद लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और दोस्तों यहाँ से आपको एक इंस्टाग्राम का लोगो या फिर यूट्यूब का लोगो ऐड कर देना है, ठीक है? दोस्तों, ये यूट्यूब का लोगो और इंस्टाग्राम का लोगो कैसे बनाते हैं उसका भी मैं ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, ठीक है? तो अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, हमारा स्टेटस रेडी हो जाता है। यहाँ पे ट्रिगर दबाया और खेल खलास।
तो आप देख सकते हो बहुत ही मस्त स्टेटस हमारा रेडी हो जाता है। बस आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे जो भी स्टेप्स में हम बताए अब आपको फॉलो कर लेनी है। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते तो आप इस तरह का स्टेटस बनाना सीख जाओगे। उसके बाद दोस्तों आपको सेव वाला बटन मिल जाता है, उस पर क्लिक करना है और वीडियो को अपनी गैलरी में एक्सपोर्ट कर देना है। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।